नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। होली का जो पवित्र दिन है वो कुछ दिनों में आने ही वाला है और होली की राख के आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल विस्तार से सारे उपाय होलिका की राख से आपको करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो काफी फायदेमंद साबित होंगे, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे, आपकी परेशानियों को चुटकी में समाप्त कर देंगे। देखिए, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पितृ का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन उसकी भागवत भक्ति ने उसे बचा लिया था। भगवत भक्ति में वो इतने लीन थे कि भक्त प्रहलाद को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब बुराई अच्छाई से हार गई, अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी का यही संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास है, अगर दृढ़ अचल हो, तो कोई भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप सनातन धर्म के सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे लेकिन इस प्रकार से आपको कोई भी जानकारी नहीं देगा। हमारा एक ही मकसद है, आपका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सर्व जीवों का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करके हम आज का ये वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में आपका एक नया मोड़ आएगा। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट आपके छूट जाएंगे, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार होली में सभी तरीके की नकारात्मक शक्तियां नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, पुरानी चीज़ें, पुरानी टूटी फूटी चीज़ें, अगर आपको कोई सी चीज़ आपके घर में समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, तो उसे आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं, डाल दें ताकि आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाए। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, किसी भी वस्त्र को पहनने में नकारात्मक शक्ति का महसूस होता है, तो उस वस्त्र को भी इस होलिका की अग्नि में आपको डाल देना है। देखिए, होलिका की अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि होलिका की राख को तांत्रिक टोटकों में और ज्योतिष उपायों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि होलिका की राख से आपको किस प्रकार से उपाय करना चाहिए जो आपके जीवन में धन की वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो भी घरेलू समस्या है वो तत्काल ही दूर हो जाएगी। देखिए, उपाय बताने से पहले एक आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो उपाय हम जो भी आपको बता रहे हैं, होलिका के जो राख के उपाय हम बता रहे हैं, ये गुप्त ही आपको रखना है, आपको किसी को भी बताना नहीं है। आप जब ये उपाय कर रहे होंगे तब आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, इससे ऐसा फायदा होगा, तो आप बिल्कुल चुपचाप इस उपाय को गुप्त रूप से आपको ये उपाय करना है। अगर आप गुप्त रूप से ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आपका ये जो उपाय है कारगर सिद्ध नहीं होगा, ये विफल हो जाएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लगभग 5 से 7 उपाय आपको जो बताने वाले हैं, बिल्कुल इन उपायों को ध्यान से सुनना। देखो, यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे कोई सा भी ग्रह दोष आपको लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, या कोई सा भी ऐसा ग्रह है जो आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, आपकी जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, होली की जो राख है वो ठंडी हो जाने के बाद आपको उसे घर में लेकर के आ जाना है। घर में लेकर के आने के बाद आपको एक गिलास लेना है, कांच का गिलास लेंगे, उसके अंदर पानी भरेंगे और उसके अंदर ये राख जो है उसको घोल देना है। और आप क्या करेंगे, आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। होलिका की जो राख लेकर के आएंगे वो आप क्या करेंगे, सोमवार के दिन, होली के बाद जो भी पहला सोमवार आएगा उस दिन आप क्या करना, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना और उसके अंदर ये राख मिला देना, ठीक है, और सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में इस राख से अभिषेक करा देना, शिवलिंग का अभिषेक कर देना, शिवलिंग का स्नान करा देना, शिवजी के ऊपर जल अर्पित कर देना और ऐसी प्रार्थना करना कि भगवान हमारा कल्याण हो, हमारी समस्या दूर हो। होली की ये जो राख है कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में
कोई भी ग्रह, नीच ग्रह भी अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो वो ग्रह सही हो जाएगा और आपकी उन्नति में सहयोग करेगा। साथ ही साथ नीच ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको ये उपाय करना है, बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल उपाय है, तांत्रिक उपाय है, लाल किताब से लिया गया ये उपाय है। कहा जाता है कि होलिका दहन के राख में कई देवी देवता का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस राख को आप अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा सकते हैं, आपके घर वालों को तिलक के रूप में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अभागी हो, कोई भी व्यक्ति जो बार बार काम करता हो लेकिन उसका काम सफल नहीं हो पा रहा है, कितने भी प्रयत्न कर लिए, कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन वो सफल हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको उसी दिन होलिका की राख का तिलक करना चाहिए, इससे उसका भाग्य चमक उठता है। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि उनकी किस्मत चमक उठे तो होलिका की राख को उनको सिर पर, माथे पर उनको तिलक लगाना चाहिए। देखिए, होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख जो आप आपके घर में लेकर के आएंगे तो उसको आप पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं। कैसे छिड़केंगे? होलिका की राख लेना, एक कांच का गिलास लेना, कांच का गिलास और उसके अंदर जल भरना और होलिका की जो राख है, दहन की जो राख है वो आपको डाल देनी है और उसके बाद आपको पूरे घर में इसका छिड़काव करना है। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी, जो आपके घर में सुख शांति नहीं है, अभाव रहता है तो आपके घर में सुख शांति भी आएगी, वास्तु दोष लगा हुआ है तो वास्तु दोष भी दूर होगा। आपके घर में होलिका की राख छिड़कने मात्र से आपके घर के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं, आपके घर में ग्रह क्लेश भी दूर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मन में अशुभ लगता है, शुभ फल परिणाम किसी का भी नहीं मिल पा रहा है, आप चाहते हैं कि आपके घर में सब अच्छा अच्छा हो, तो आप होलिका की राख आपको आपके घर में लेकर के आना है। बहुत ध्यान से सुनना, होलिका की राख को एक कांच के बाउल में आपको रखना है, एक कांच का कटोरा ले लेना और उसके अंदर आपको होलिका की राख रखना है, उसके अंदर आपको साबुत खड़ा नमक जो आता है ना वो डालना है, साथ में आपको राई डालनी है, या आप घर के किसी भी कोने में रख देना, लेकिन ध्यान रखना किसी भी बाहर वालों की नज़र या घर वालों की नज़र इतनी आसानी से नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और उसे आप ऐसे कोने में रख देना, बहुत लंबे समय तक आपको इसे रख करके रखना है, लगभग 15 से 20 दिन तक आपको रखना है और उसके बाद किसी भी दिन आप इसे किसी भी नदी में प्रवाहित, बहते हुए जल में प्रवाहित करना, ऐसा नहीं कि स्थिर कोई तालाब में प्रवाहित कर दें, कोई कुआं है उसके अंदर डाल दें, ऐसा नहीं करना है, आपको जो नदी बह रही हो उसमें आपको डाल देना है, इससे आपके घर का बंधन जो है वो टूट जाएगा, आपके घर की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर इस उपाय को हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है, किसी ने टोने टोटके करा दिए हैं, किसी की नज़र लग गई है, तो इन सभी को बेअसर करने के लिए आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा होलिका की जो राख होगी वो आपको बहुत ज़्यादा लेकर के आनी है, क्योंकि ये बाद में नहीं मिलती है और ये बहुत ही पावरफुल होती है, इसीलिए आप थोड़ी सी लेकर के आ रहे हैं उपाय करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लेकर के आएँ ताकि आप आने वाले समय में इनके उपाय करके आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर सकें। देखिए, करना क्या है, होलिका की दहन के अंदर आप क्या करना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर में बहुत सारा तांत्रिक प्रयोग है, या यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की नज़र लग चुकी है, बार बार नज़र लग जाती है, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो होलिका दहन की रात में आप क्या करना, होलिका के वहाँ पर आपको एक देसी घी में दो लौंग को डुबो करके बताशे के साथ एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर बताशा रखना है, ये दो लौंग घी में भिगी हुई रखना है, मिश्री के दाने आपको रखना है और इसे होलिका की अग्नि में आपको डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बरकत होती है, आपके घर में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है, आपके घर में यदि कोई बीमार पड़ गया है तो वो बीमारी से भी ठीक हो जाता है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है तो धन की समस्या भी दूर होती है, तो बहुत ही आसान सा ये होलिका का उपाय है। फिर उसके बाद क्या करना, उस राख को देखिए, जैसे ही राख शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करना, उसी राख को जिसमें आपने दो लौंग डाले थे, जिसमें आपने बताशे डाले थे, तो वो ही होलिका के वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ की राख आपको लेना है और एक चांदी के ताबीज़ में आपको भर लेना है और उसे धारण कर लेना है, या आप अगर चांदी का ताबीज़ नहीं है तो आप तांबे का ताबीज़ भी ले सकते हैं, तांबे का भी नहीं है तो आप किसी भी कागज़ में लेकर के आ जाएं और उसे आप आपकी दुकान पर रख सकते हैं, आप आपके घर में भी रख सकते हैं, किसी कोने में आप रख दें, इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेगी, साथ ही साथ आपका व्यापार जो है वो अच्छे से चलने लगेगा और आपके व्यापार में जो भी तकलीफ आ रही है वो सब भी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अचूक उपाय, जो कि होलिका की राख के हैं, यही सनातनी उपाय हैं,
प्राचीन शास्त्रों से लिए गए हैं, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। आप ये उपाय करें और आपके जीवन को समृद्ध बनाएं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि सनातन धर्म के इतने गहरे रहस्य हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं और हम उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है, जन जन तक सनातन धर्म के ऐसे गहरे गुप्त रहस्यों के बारे में हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उनको करके आपके जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। धन्यवाद।